हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ शीट मास्क। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये है मेरे पास कुछ शीट मास्क, तो जिनको मैं अप्लाई करके आप लोगों को बताऊंगी कि ये शीट मास्क होते क्या है एंड इनका क्या रोल होता है, इनको कैसे अप्लाई करना है। शीट मास्क क्या होते हैं मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता देती हूँ। शीट मास्क आपकी स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेटेड बनाते हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो आपकी स्किन अंदर से हेल्थी एंड ग्लोइंग रहेगी। एंड ये एक कोरियन स्किन केयर से इंस्पायर्ड होकर के बनाया गया है। एंड इनके अंदर जो एक नरिशिंग सीरम होता है, जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इंस्टेंट हाइड्रेटेड कर देता है, आपकी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए ये बेस्ट, आप इसे ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तभी आप इसे यूज़ करेंगे। आपकी कोई भी स्किन टाइप क्यों ना हो, आपको मॉइस्चराइजर की आवश्यकता होती है, आपकी मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है, हाइड्रेट रखने की उसकी ज़रूरत होती है। तो आपको ये तो एक इंस्टेंट आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड कराता है, तो ये तो आपके लिए बेस्ट होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, किसी भी टाइप क्यों ना हो, आपको तो मॉइस्चराइजर, आपको हाइड्रेशन की ज़रूरत होनी ही होनी है। सो स्किन केयर में एक ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं शीट मास्क फॉर इंस्टेंट हाइड्रेशन के। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको इंस्टेंट हाइड्रेशन से आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रखी है, तो आप इस शीट मास्क को अप्लाई करके अपनी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे आपकी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग एंड बहुत ही सॉफ्ट एंड सफल हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कुछ, मेरे पास यहाँ पर 10 शीट मास्क हैं जिन्हें मैंने परचेस किया purple.com से। purple.com पे भी चल रही है एक बहुत ही अच्छी सेल। अगर ना 5 परचेस करेंगे तो आपको 5 वो एक्स्ट्रा मिलते हैं, आपको उनको पे नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको टोटल 10 शीट मास्क आपको मिल जाते हैं। तो मैंने ये टोटल purple.com से ही परचेस किए हैं। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर के परचेस कर सकते हैं। एंड जो ये शीट मास्क है, ये इट्स स्किन का, जो कि एक कोरियन ब्रांड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्टेप है शीट मास्क जो इंस्पायर्ड है, वो एक कोरियन स्किन केयर से इंस्पायर्ड है ब्रांड है इट्स स्किन। ये भी एक कोरियन ब्रांड ही है। जब भी आप अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, देन आप इसको, इस शीट मास्क को अप्लाई कर सकते हैं फॉर मोर हाइड्रेशन एंड इंस्टेंट हाइड्रेशन। एंड अगर आप कोई मेकअप कर रहे हैं एंड अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप जो है वो एकदम ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस एंड देर तक टिका रहे, तो भी आप इसे शीट मास्क को अप्लाई कर सकते हैं मेकअप लगाने की। जब आप मेकअप करने जा रहे हो तो उसके आप 10 to 15 minutes पहले इसको अप्लाई कर लीजिए, लगा लीजिए, एंड देन आप 15 minutes बाद इसको रिमूव कर दीजिए, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लिटरली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एंड मुझे लगता है कि आपको वीक में 1 से 2 बार तो उसको 100% आपको उसको लगाना ही लगाना चाहिए। एंड इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं, जस्ट आपको पैकेट ओपन करना है, यहाँ पे दिया है, जिससे आपको ओपन करना है एंड इसका जो शीट मास्क निकाल करके उसको अप्लाई कर लेना है। तो मैं आज आपको इसके बारे में मैं बताऊँगी इसको कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके बगल में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसे भी हिट करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको 100 rupees में पर शीट मास्क आपको मिल जाता है। तो अगर आप 500 पे करते हैं एंड आपको 10 शीट मास्क मिल जाते हैं, आपको 500 पे करने पड़ेंगे। आपको 5 शीट मास्क का जो आपके चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा एंड आपको 5 एक्स्ट्रा फ्री मिलते हैं। अभी purple.com पे चल रही है सेल, इसलिए आपको अभी मिल जाएंगे। सो अगर आप चाहते हैं वहाँ से परचेज करना तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो मैंने जो यहाँ पर शीट मास्क के लिए, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता देती हूँ। ये मेरे पास है ऑलिव का एंड ये है एलोवेरा का एंड ये ब्लूबेरी का एंड ये रोज का एंड ये बैम्बू एंड हनी पोमोग्रेनेट एवोकाडो एंड कैरेट एंड ये टी ट्री। तो यहाँ पे आपको 10 शीट मास्क मिल जाते हैं एंड ये जो शीट मास्क हैं ये लिटरली आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपको पता ही होगा टी ट्री ऑलिव कितने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। देन इनमें एक तो नरिशमेंट सीरम होता है, नरिशिंग सीरम होता है, जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा बना देता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इन्हें कैसे अप्लाई करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव योर ऑल मेकअप एंड क्लीन योर फेस। आपको अच्छे से अपना फेस को क्लीन कर लेना है, जो भी डर्ट एंड पॉल्यूशन है उसको रिमूव कर लेना है। एंड देन जस्ट आपको एक शीट मास्क लेना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये एलोवेरा का शीट मास्क, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग एंड कामिंग बनाएगा। तो जस्ट आपको क्या करना है कि इन्होंने यहाँ पर जैसे शाइन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कट सा दिया हुआ है एंड जस्ट आपको यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो जस्ट मैं एक सीजर की हेल्प से इसको यहाँ से ऐसा कट कर लेती हूँ। आपको बस सिंपली इसको कट कर लेना है एंड देन आप इसको ओपन करना है आपको इस पैकेट को।
एंड इसके अंदर आपको मिल जाएगा एक ये शीट मास्क, एंड आपको जस्ट इसके अंदर काफ़ी सारा सीरम है, आप जैसे देखिए टपक रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ जस्ट ताकि अच्छे से अप्लाई हो सके। तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, आपको फेस के डायमेंशन के अकॉर्डिंग, या फिर नोज़ एयर ए लिप्स आइज के लिए उन्होंने कट दिया हुआ है, तो आपको जस्ट अपने फेस के डायमेंशन के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई कर लेना है। आपको जस्ट इस तरह से अप्लाई कर लेना है एंड आपको उसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अच्छे से आपको अपनी स्किन में इसको इससे चिपका लेना है एंड हम इसको 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो मैं 15 मिनट बाद आपको मिलती हूँ। सो 15 मिनट हो चुके हैं एंड हम इसको निकाल लेंगे एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसका जो सीरम है वो स्किन में अब्जॉर्ब हो चुका है एंड इसकी वजह से ड्राई हो रहा है एंड निकल रहा है। तो जस्ट हम इसको निकाल लेंगे एंड ये काफ़ी स्मूथ स्मूथ से लगने लगा है एंड लिटरली मैं आपको बताऊँ इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी कमाल की है, बहुत ही हार्ड नहीं है, बहुत ही माइल्ड है एंड इतनी क्यूट लगती है, ऐसा लगता है कि इसको लगा करके जस्ट मैं सो जाऊँ एंड मुझे लिटरली इतनी कूलिंग एंड इतनी रिफ्रेशिंग वाली फीलिंग आ रही थी, जस्ट मुझे लग रहा था मैं जाकर के सो जाऊँ, ऐसा लग रहा था मुझे, बहुत ही अच्छा लगा इसको अप्लाई करके मुझे। एंड अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो भी सीरम बचा हुआ है हम उसे वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसको भी हम निकाल करके अपने फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। तो आप देख सकते इसमें काफ़ी सारा सीरम है, तो जस्ट हम इसको भी अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। यार पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो आपको सारा वसूलना है कि नहीं वसूलना है, एंड ये लिटरली आपके स्किन को और अच्छा बना देगा। एंड अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में स्टोर करके भी आप रख सकते हैं, एक दो दिन तक उसको लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसको जस्ट मैं ऐसा रब करके बहुत आपको जेंटली ऐसे रब करना है, आप इसको अपने नेक तक इसको ले आ सकते हैं। एंड अगर आपका बच जाता है सीरम तो आप इसको स्टोर करके रख लीजिए फ्रिज में एंड आप नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आप इसको एक से दो दिन तक इसको लगा करके यूज़ कर सकते हैं एंड आप फील करेंगे कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है। आपको जितनी भी प्रॉब्लम हुई थी डिहाइड्रेशन की वजह से, आपकी स्किन में अच्छे से नरिशमेंट ना जाने की वजह से, वो सारी सारी प्रॉब्लम्स आपको दूर हो जाएंगी एंड आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग एंड हेल्दी एंड सॉफ्ट एंड सफल हो जाएगी। आप फील कर पाएंगे एक जो नेचुरल ग्लो होता है वो आपकी स्किन पर आपको दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक थोड़ा सा एक ग्लो सा दिख रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब आप इस सीरम को स्टोर करके रख लीजिए एंड आप दो दिन तक उसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड हाँ, आपको इसके बाद फेस वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको फेस वॉश नहीं करना है, आपको जस्ट इसको ऐसे ही छोड़ देना है एंड आपकी जो भी थोड़ा बहुत अगर है भी आपकी स्किन पे, तो ये ऑटोमेटिकली ये अपने आपकी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा, आपकी स्किन को और भी अच्छा बना देगा। सो आपको फेस वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने इसको अप्लाई कर लिया एंड सीरम को अच्छे से मसाज कर लिया अपनी स्किन में, आपकी स्किन में थोड़ा बहुत है तो अब्जॉर्ब हो जाएगा एंड ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा बना देगा, आपको फेस वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक अब आपको शीट मास्क के बारे में पता चल गया होगा एंड इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल गया होगा कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है इसका रिजल्ट हमारी स्किन पे। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, उसके बगल में छोटा सा बेल आइकन का बटन होगा उसे भी हिट करेगा ताकि मेरा जब भी कोई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।